I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अगर बोतल को डिस्ट्रॉय करना है तो इस तरीके से आप करें और बोतल यूज ना हो पाए सेकंड टाइम में। हेलो फ्रेंड, मैं अब्दुल इस्लाम, आप देख रहे हैं जहानाबाद ब्लॉगर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वे गर्मा गर्म गुड इवनिंग, और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और पिज्जा पार्टी जोन में आज हम लोग पिज्जा खाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। और अपने डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच चुका हूं और यही से ब्लॉग स्टार्ट किया हूं आज। आज ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फटाफट फॉलो कर लें। जहां तक लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बहुत इजी है, आपको लोकेशन भी आपको हम दिखला देते हैं। सामने आप देख सकते हैं सदर अस्पताल है, और इस तरफ देखें तो आप हॉस्पिटल मोड़ चले जाइएगा, और इस तरफ जाइएगा तो स्टेशन तरफ चले जाइएगा, और बहुत इजी में आपको लोकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। भाई, यहाँ पे पिज्जा आप खाने आए हो तो कैसा टेस्ट लग रहा है? A1। और जहाँ तक कॉस्ट की बात है तो कॉस्ट यहाँ का कैसा है? डोमिनोज से कम। आपको मेनू दिखला देते हैं, डिस्प्ले मेनू है, और मेनू देख के आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करा जा रहा है और बनाने का प्रक्रिया चालू है यहाँ पे, और कितना खूब से अच्छे तरीके से बन रहा वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइव किचन भी है। और क्या डालिएगा इसमें? टमाटो बने, टोमेटो सॉस डला रहा है। अब चीज डला रहा है यहाँ पे, मटरोला चीज है ये। और जो एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा आपको। अब प्याज डला रहा है, यहाँ पे कैप्सिकम डला चुका है, ये पॉर्न है। आप बोलिए ना, पनीर डाल रहे हैं? ये पनीर डला रहा है, ये मशरूम है, वेज मशरूम, ये टमाटो है। अब टमाटो भी डला चुका है, ये पिज्जा रेडी हो गया। अब माइक्रो ओवन में जाने के लिए तैयार हो गया, कन्वेयर ओवन। और देखिए जाने का तरीका, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक जाएगा ज्यादा हीट होने पे। देखिए धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहा, स्लाइड हो रहा धीरे धीरे। बहुत
बहुत ही स्लो मोशन में पिज्जा अंदर की ओर जा रहा है यहाँ पे। देखिए उधर से अब निकलने के लिए तैयार है, उधर से अंदर डाला गया था, अब इधर से बाहर निकल रहा है और बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस में निकल रहा और हीट करके निकाला जा रहा है और एक्स्ट्रा चीज भी इसमें डाला गया है। देखिए पिज्जा बहुत ही अच्छा निकल चुका है और अभी से इतना ही टेस्टी मुझे दिख रहा है कि खाने का अभी बहुत ज्यादा मन कर रहा है मुझे। अब आपको रिव्यू देते हैं टेस्ट करके। जो फर्स्ट टेबल पे बैठना चाहते हैं वो फर्स्ट टेबल पे भी बैठ के रोड साइड का मजा ले सकते हैं। पिज्जा पार्टी जोन के एम्प्लॉय हैं, उनसे बात करने के लिए कोशिश करते हैं और क्या है इनके पास वो जरूर आपको हम बताएं और वीडियो में बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। पिज्जा पार्टी जोन में पब्लिक क्यों आए? क्योंकि जहानाबाद में बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि पिज्जा का आउटलेट खुल रही है, बट पिज्जा जो होना चाहिए वो जहानाबाद में था नहीं। हमने सोचा कि चलो मैं एक फ्रेंचाइजी लेता हूँ एक रेस्टोरेंट को, पिज्जा पार्टी जोन है, उसके बाद मैंने पिज्जा बनाना जस्ट लाइक एन डोमिनोज के प्रोसेस से ही हमने बनाना तैयार शुरू किया है और सारा हम कन्वेयर ओवन जितने भी ओरिजिनल होते हैं इक्विपमेंट और पिज्जा बनाने के लिए वो मैंने सारा इकट्ठा करके तब मैंने जाके एक रेस्टोरेंट ओपन किया। रही टेस्ट के बारे में तो हमने अभी 1 मंथ हो गया मेरा ओपन का, मैंने सुन एवरी गेस्ट से मैंने फीडबैक किया है लेकिन मुझे कुछ अलग ही मिला डेट इट कम्पेयर ऑफ द पटना सिटी और टू जहानाबाद। तो जहानाबाद में हमारा नंबर 1 पर आया है, आज भी गेस्ट का ही बोलना है, ये फीडबैक देती है जो जिसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ वो हम ऊपर में है। यहाँ पर देखा जाए तो मिनिमम टू मैक्सिमम रेट बहुत मायने रखता है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है आपके पास? मिनिमम कॉस्ट अगर बोले तो पिज्जा के मैटर में 29 से स्टार्टिंग है, हाईएस्ट बोला जाए तो 400-500 समथिंग तक है हाईएस्ट। बहुत सा पब्लिक का डिमांड होता है कि नहीं हम नॉनवेज नहीं खाएं वेज पिज्जा खाएं, तो क्या वेज पिज्जा भी आपके पास अवेलेबल है कि नहीं? पिज्जा वेज भी है और नॉनवेज भी है, बट हम वेज को सेपरेट करते हैं नॉनवेज को भी सेपरेट करते हैं, दोनों का जो पिज्जा जिस स्क्रीन पे लोड करते हैं वो दोनों अलग अलग रहता है। कोई भी कस्टमर को आने का दिल नहीं करे तो क्या होम डिलीवरी भी है? यस सर, होम डिलीवरी भी है, टेक अवे भी है, डाइनिंग भी है, हमारे पास सभी ऑप्शन है। हम जो भी गेस्ट को ऑर्डर देते हैं और गेस्ट को डिलीवर करते हैं फिर हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि सर आपको टेस्ट कैसा लगा। वी हैव टू बिहेवियर ऑफ द एसडीपी पर्सन जो हमारा डिलीवरी करने गया उसका भी रिगार्डिंग पूछते हैं, जो अमाउंट की इश्यू होता है कुछ भी तो मैं तुरंत फट एक्शन लेता हूं सर, और उनको अगर पिज्जा अच्छा नहीं लगा हो तो मैं रिमेक भी देता हूं, अगर पिज्जा में टेस्ट वैसा नहीं तो हम भी उसके लिए रिगार्डिंग उनसे बात करके फिर हम उसको रिप्लेसमेंट दूसरा करते हैं पिज्जा। अगर देखा जाए कि मुझे पिज्जा नहीं खाना है कुछ और चीज खाना है तो आपके आउटलेट में क्या मिल पाएगा? यस सर, साइड आइटम भी है हमारे पास, जैसे आया डिलेशियस चोकोलावा केक है, अस्टी गार्ली ब्रेड है, स्टफिंग गार्ली ब्रेड है, अब बर्गर है हमारे पास, इंडियन टैको है, व्हाइट पास्ता इटालियनो है, ये हमारा साइड आइटम है सर। कस्टमर विजिट टाइम क्या रहेगा आप बता सकते हैं? ठीक है सर, हम सुबह में 10 बजे ओपन करता हूँ रेस्टोरेंट और अभी लॉकडाउन है इसके लेकर अभी 8 बजे गवर्नमेंट का आदेशानुसार हम 8 बजे क्लोज कर देते हैं। ये हमारी पिज्जा आ चुकी है और टेबल पे रखाती है। मैं आपको तुरंत रिव्यू दूंगा और टेस्ट करके। नैपकिन मिला मुझे, एक टमाटो केचप है, ऑर्गेनिक है, ये चिल्ली है। अब उसके बाद पिज्जा खोलते हैं, देख सकते हैं पिज्जा कितनी खूबसूरत लग रही है और इसके बाद टेस्ट करने के बाद आपको हम बताते हैं। ये चिल्ली
डाल रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक डाल रहा हूँ मैं। ये टोमेटो चिल्ली डाल रहा हूँ। फर्स्ट बाइट मैं उठा रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आप एक बार जरूर आके विजिट करें। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो इसके अलावा दूसरा आपको पिज्जा दिया जाएगा। जब तक टाइम लगे एंजॉय कीजिए। मैंने वेज पिज्जा ऑर्डर किया हूँ और मीडियम साइज। मैंने तो पूरा खत्म कर दिया पिज्जा, और एक बार जरूर आके विजिट करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और विजिट कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट का रिव्यू खुद लीजिए और बहुत मजा आने वाला। और सब यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय हैं सब फ्रेंडली टाइप से हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट दे पा रहे हैं। और हमारे से फीडबैक भी लिया गया, ये हमसे पूछने के लिए आए हैं फीडबैक। सर, हमारा पिज्जा पार्टी जोन से आपने फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस किया सर, आपको कैसा लगा सर रिगार्डिंग टेस्ट? बहुत ही अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम सर। सर्विस कैसा लगा सर हमारा? सर्विस भी बहुत अच्छा लगा आपका। अब आपका भाई मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।